मैं वैसे शेयर कर दूंगा आपको। देखो सबसे पहले रोटेशन देख रहे थे, रोटेशन करते टाइम ना क्या करना आपने, जैसे मैंने सर्कल ले लिया ये, ठीक है, ये मुझे इस पर रोटेट करना है, गॉड ब्लेस मी। हाँ ये देखो ये रोटेट करना है, तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करना है इसको, कंट्रोल की से ट्रांसफॉर्म, इस वाले पॉइंट को पकड़ा, उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। हाँ वही चीज कर रहा हूँ, तो ये उठा के मैंने इधर रख दिया, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे एंगल दिया, ये एंगल कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, ये रहा, कितना डिग्री एंगल चाहिए, मैंने यहाँ पे 30 डिग्री एंगल दे दिया, दो बार एंटर मारा, कंट्रोल ऑल शिफ्टिंग, हो गई रोटेशन। कितना गैप रखना है, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, इसको उठा के मैंने इधर रख दिया, और यहाँ से मैंने एंगल दिया, कितना डिग्री एंगल चाहिए, 30 डिग्री, दो बार एंटर, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी, और नई लेयर ली और इसमें कलर दे देते हैं, ये रहा, और इसमें कलर डाल दिया मैंने, ये वाला, कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, इसको मैंने मूव करा दिया, कंट्रोल और शिफ्ट टी, आ गया। तो इस तरीके से हम रिपीट कर सकते हैं किसी भी चीज को, क्लियर। पहले मैं सिखाता हूँ आपको पैटर्न कैसे बनाते हैं, ठीक है। ऑल शिफ्ट टी, हाँ कंट्रोल ऑल शिफ्ट, ठीक है। मेरे पास ना यहाँ पे क्या है, ये है, ठीक है, मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ, ये मेरा एक आ गया ऑब्जेक्ट है ना। मैं चाहता हूँ कि ना ये इसका ना एक पैटर्न बन जाए, तो मेरे पास दो तरीके के पैटर्न होते हैं, एक तो हम नॉर्मली पैटर्न बना सकते हैं, एक होता है सीमलेस पैटर्न, जैसे कपड़ों के ऊपर जो प्रिंटिंग होती है ना, जैसे कपड़ों पर कोई टेक्सचर होता है, रिपीट हो रहे होते हैं, वो देखो कैसे बनते हैं। लाइक मुझे इसका पैटर्न बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्क्वायर शेप लेनी पड़ेगी इस तरीके से, स्क्वायर शेप में इसको रख लेंगे ऐसे, आ गया, ठीक है। ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। हेलो लास्ट में होगी सर, अब आपने क्या करना है, इसको पिक करना है, यहाँ से जाना है फिल्टर में, यहाँ जाना है अदर में, और यहाँ पे ना ऑफसेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे तो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा, आप ये कर देना, जितना साइज है, अब मुझे आपको साइज चेक करना पड़ेगा कितना साइज है इसका, इमेज में गए, इमेज साइज चेक कर लेना कितना साइज है, तो इसका 161 और 161 है, तो मैं काम करता हूँ 200 ही कर लेता हूँ, 200 और 200 कर दिया इसका साइज मैंने, ठीक है। अब हम देखो यहाँ से गए फिल्टर में और यहाँ पे अदर में गए और मैंने यहाँ पे ऑफसेट पाथ पे क्लिक किया, इस पे करने के बाद मैंने यहाँ 400 की जगह ना 200 का हाफ कर देना आपने, तो मैंने 100 कर दिया, देखो इससे क्या हुआ, ये जो पैटर्न था वो आधा अदर पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। मैंने यही सेम चीज क्या करा, यहाँ भी कर दिया 100, तो ये आ गया हमारे पास इस तरीके से, तो ये चार पार्ट में डिवाइड हो गया, क्लियर है। अब लाइक मैंने यहाँ पे क्या करा, मुझे ये लोगो चाहिए यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, बीच में ये लोगो रख लिया, ये लोगो रख लिया मैंने, अब मुझे इसका पूरा पैटर्न बनाना है, कलर ओवरले का है, कलर ओवरले, ये रहा, यहाँ से कलर डाल सकते हो इमेज के ऊपर, कलर ओवरले, एफएक्स में जाके कलर ओवरले का ऑप्शन है,
तो मैं यानी इमेज का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा ऐसा कुछ पैटर्न बन गया। अब मुझे ना ये अप्लाई करना है किसी स्क्रीन के ऊपर, तो एडिट के अंदर जाना है, अपने डिफाइंड पैटर्न का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे पैटर्न कर लेना, पर बैकग्राउंड में रिमूव कर दूँ ताकि बैकग्राउंड सिलेक्शन में ना आए। अब मैं एडिट में जाता हूँ और मैं यहाँ पे डिफाइंड पैटर्न कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब लाइक मुझे अप्लाई करना है, ये फाइल में है, न्यू फाइल, ये किस साइज पे रखना है वो सेट कर लिया और ओके कर दिया। अब मुझे इसको अप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे, एक नई फाइल ले लेते हैं, एडिट के अंदर गए, फिल में गए और यहाँ पे ना पैटर्न का ऑप्शन मिलेगा, पैटर्न का आ रहा है यहाँ पे, पैटर्न ये रहा। आप यहाँ से वो पैटर्न चूज कर लेना, जो पैटर्न था हमारा जो हमने बनाया था वो ये आ गया, और ओके कर देना। देखो आउटपुट कैसा आ रहा है, आउटपुट देखो हमारा इस तरीके से आ रहा है। यही चीज़ क्या होगी, बार बार रिपीट हो गई, तो जो पार्ट हमने चार पार्ट में जो डिवाइड किया था वो हमारा इस तरीके से रिपीट हो गया, तो कहीं पे भी देखो कट नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप ये जो सीमलेस पैटर्न होता है वो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो आपको करना क्या है, एक स्क्वायर लेना है, स्क्वायर में कोई भी डिजाइन ले लेना, हो सकता है जैसे ना अगर जैसे कपड़ों की बात करें तो उसमें टेक्सटाइल के होते हैं, उसमें इमेजेस होती है, हाई जो रेजोल्यूशन की इमेजेस यूज करते हैं, उसमें क्या हो गया, वो क्या करते हैं हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस लेते हैं, जैसे मैंने फ्लावर की इमेज ले ली PNG और कौन सी इमेज ले लेते, जैसे मैंने ये यहाँ पे और ये वाली फोटो ले ली मैंने, ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ इसको मैं, टूल कलर में जाके मैंने क्या करा, ट्रांसपेरेंट कर दिया। इससे क्या होगा ना, सारी PNG में ये आएगी, फिल्टर होके आएगी। तो यहाँ पे अपन इसको सेव कर लेते हैं, या अब मुझे क्या करना है, इसके यानी इसको चार पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसको मैंने पकड़ा और यहाँ ले जाके मेरे को सेंटर में रख दिया इसको ऐसे, एंटर। अब मुझे ये क्या करना है, चार पार्ट में डिवाइड करना है, तो फिल्टर में जाके अदर, और अदर में जाके हमने ऑफसेट पास कर दिया, 100-100 चारों तरफ हो गए, ये ऐसा कुछ आ गया। अब मुझे बीच में कोई और फ्लावर चाहिए, तो ये काम ना पता बहुत आता है, मतलब जो वो सीखते हैं ना फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करते हैं वो तो यही सब चीज़ सीखने आते हैं कि पैटर्न कैसे बनाते हैं, जो टेक्सटाइल डिजाइनिंग का करते हैं वो तो ये सब सीखने आते हैं। मेन उसका पार्ट जो है वो उसके लिए होता है, जैसे कपड़ों की प्रिंटिंग हो गया, अभी एक आया था अंदर उसी की उसकी कंपनी में चद्दरें बनती है, तो चद्दरों में इस तरीके के पैटर्न बनाने के। कपड़ों के ऊपर प्रिंटिंग हो गई, तो यहाँ पे हमने इसे सेट कर दिया, ये आ गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसे मैं सेव कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन है डिफाइन पैटर्न और ओके, ये मैं जो ओपन करता हूँ, ये ऑल्ट दबा के ई दबाया, आई दबाया, जैसे इमेज पैनल खुल जाता है ई दबाओ तो हाँ वो जो जैसे हमारा एक्सेल होता है, तो इस तरीके से आ गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, एडिट में जाकर डिफाइन पैटर्न, अब ये अप्लाई करने के लिए क्या करना है, जैसे यहाँ अप्लाई करना है आपने, बस क्या करना है सिलेक्शन बनाना है, एक लेयर ले लेनी है, शिफ्ट F5 शॉर्ट की है, पैटर्न चूज करना है कौन सा पैटर्न चाहिए और अप्लाई के बटन पर क्लिक करते हैं, तो ये पैटर्न हमारा ऐसे बन जाएगा। अप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका यहाँ भी है कि आप यहाँ से जाना, ये जो एडजस्टमेंट का ऑप्शन होता है यहाँ पे पैटर्न लिखा होता है ये रहा, और यहाँ पे ना स्केल करने का ऑप्शन होगा, आप यहाँ पे ना स्केल कर सकते हो, कितना स्केल करना है, इसमें ये भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे ये काम आ जाता है, डन कर दिया, तो पैटर्न हमारा इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एक ऑप्शन यहाँ मिल गया और एक ऑप्शन हमें यहाँ मिल गया एडिट के अंदर, तो ये इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं।
तो पैटर्न बनाना ही होगा। अब ना पैटर्न बनाने का ना एक और पार्ट भी है, आप जैसे ना कंपनियों के लोगो लगाने होते हैं, तो लोगों का बैकग्राउंड बनाना होता है, तो उसके लिए भी पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी एक क्लाइंट के लिए बना के देता हूँ मैं, एड वीटो। ठीक है, तो इसका देखो इस तरीके का पैटर्न आया था। तो लाइक आपको पीछे बैकग्राउंड इस तरीके का चाहिए होता है तो वो सब मैं यूज़ करते हैं। तो इसमें देखो क्या कर सकता हूँ मैं, लाइक एक ये मैंने क्या करा, ये सपोज लोगो है मेरा, मुझे इसी का बैकग्राउंड बनाना है, तो मैंने यहाँ पे गया और अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे ऐसा रख दिया। अब की बार ये सीमलेस नहीं बनाना, मुझे यही चीज़ रिपीट करनी है। तो इन सबको हटा दिया, आपने क्या करा यहाँ से जाके एडिट डिफाइन में उस पैटर्न करा, और अब मुझे अप्लाई करना है। तो आपने क्या करा यहाँ पे जाके और यहाँ पे फिल में जाके और यहाँ पे आपने क्या करा ये पैटर्न चूज कर लिया और अप्लाई कर दिया। तो ये पैटर्न हमारा इस तरीके से, ये हमारा हो गया एक तरीके से ब्रिक्स पैटर्न, मतलब एक के बाद एक आ रहा है। ठीक है, ये सीमलेस नहीं है, ठीक है, ये आ गया। और अभी ये नया वर्जन जो आया ना, इसके अंदर और भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे जाओगे ना आप फिल्म में जाओगे, तो यहाँ ना पैटर्न में स्क्रिप्ट लिखी होगी, ठीक है, आप ब्रिक्स पे क्लिक करना, ओके करना, तो यहाँ पे ना देखो ब्रिक्स शेप में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे ना इसे ना चेंज कर सकते हो, लाइक स्पेसिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है, ये आ गया, कलर डायनेमिक कर सकते हो, यहाँ पे ये आ गया। तो ये नए वर्जन में आया, तो ये ऑप्शन आ गया। एक ऑप्शन और आया इसके अंदर, वो भी अच्छा ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ना ब्रिक्स की जगह ना आप ना रेंडम फिल भी कर सकते हो, ओके करा, तो ये देखो ऐसे आ जाएगा। तो आपको लाइक बैकग्राउंड टाइप बनाने होते हैं तो आप इससे बैकग्राउंड बन जाते हैं, कितनी स्पेसिंग रखनी है, डेंसिटी कम ज़्यादा करनी है, कम ज़्यादा डेंसिटी कर दी, ठीक है, और यहाँ पे ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, मैं अप्लाई करके देखता हूँ, तो अभी फ़िलहाल क्या हो गया ये ऐसा कुछ बैकग्राउंड, ठीक है, तो इससे भी बैकग्राउंड बन जाते हैं हमारे पास। अगर आपको ना कॉर्नर पैटर्न चाहिए, मतलब कोई पाथ के ऊपर चाहिए पैटर्न, तो वो भी पॉसिबल है, ये भी बहुत सही काम आया था। जैसे कि मैंने क्या करा, एक पेन टूल लिया, यहाँ रख दिया, ठीक है, आपने क्या करा सिलेक्ट किया और ना यहाँ पे जाके फिल पे क्लिक किया, यहाँ पे ना पाथ चूज कर लेना, यहाँ पाथ का ऑप्शन आता है लंबा पाथ, अब ओके कर दिया, तब इससे बॉर्डर पे पैटर्न आ जाएगा। तो ये भी काफ़ी काम आता है। तो ये इस तरीके से बॉर्डर पे पैटर्न रखें, तो लाइक आपको कोई भी किसी भी चीज़ का पैटर्न डिज़ाइन करके आप ऐसे कॉर्नर्स पे लगा सकते हो, ठीक है, तो डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा काम आया था। इसकी सेटिंग भी और भी, लाइक जब आप इस पर क्लिक करोगे हाँ, जब आप इस पर क्लिक करोगे, ओके करोगे, यहाँ पे रोटेशन, यहाँ पे जो एंगल आ रहे हैं, एंगल क्या रखने हैं वो सेट कर सकते हो। ये देखो एंगल आप इस तरीके से सेट कर दो, एक ही लाइन में आ जाएगा, ठीक है, और इनके बीच की स्पेसिंग कितनी रखनी है, अभी देखो बिल्कुल जीरो के बाद आ रहे हैं, तो यहाँ से आप स्पेसिंग करोगे तो थोड़ा थोड़ा स्पेस हो जाएगा, ठीक है, पर ओके कर दिया, और ये काफ़ी सही हो जाएगा इस तरीके से। तो हमें एक एक करके लगाने नहीं पड़े, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सही के डिज़ाइन में। तो आप कोई भी डिज़ाइन लेके और इस तरीके पैटर्न में सेट कर सकते हैं। पाथ रिमूव कैसे करते हैं? पाथ ना अपनी जगह नहीं रहता, तो आप कंट्रोल एंटर करके कंट्रोल डी कर दोगे तो अपना रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल एंटर कर दोगे ना तो ये सिलेक्शन बना देगा पाथ का। हाउ वुड बोथ कंट्रोल एंटर बस इतना ही हो जाएगा अपना, बस ये अपना फिर हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे पैटर्न में। अगर ये पैटर्न जो है ना जो आपने बनाया वो कपड़ों के ऊपर लगाना है तो वो भी पॉसिबल है।
तो मुझे ना कोई ड्रेस के ऊपर ना ये पैटर्न लगाना है जो मैंने डिजाइन किया है। कॉपी किया मैंने, क्या करा यहाँ पे ना इतना जो सेक्शन है ना जहाँ पे हम चाहिए उसको ना मैंने एक टूल है ऑब्जेक्ट सिलेक्ट चाहिए वो इसको ऐसे सिलेक्शन कर ली तो ये उसके पार्ट को सिलेक्ट कर लेगा। मैंने हाथ को भी सिलेक्ट कर लिया कोई दिक्कत नहीं है बाद में मिटा देंगे। मैंने ऐसे सिलेक्ट कर लिया ठीक है। अब मुझे ना ये चीज़ नहीं चाहिए ये चीज़ हटानी है तो आप क्या करोगे लेसर टूल लोगे और ना लेसर टूल ना ऑल दबा के सब्ट्रैक्ट कर दोगे। आ गया ठीक है पहले ही सेपरेट हो गया। अब मुझे इसके ऊपर पैटर्न चाहिए है तो पैटर्न चाहिए तो आप क्या करोगे यहाँ इसके ऊपर नहीं लेना ले लेना। अब यहाँ पे आप जाके इस पर सिलेक्ट करना पैटर्न चूज करना सिलेक्टेड पार्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पैटर्न चूज किया हाँ और पैटर्न मैंने यहाँ पे कौन सा चाहिए ये वाला पैटर्न ले लिया जैसे मैंने ये रहा और ओके कर दिया। अब ये मैं चाहता हूँ ड्रेस के साथ मिक्स हो जाए तो आप क्या करोगे ये जो लेयर है ना इसका मोड को ना मल्टीप्लाई मोड दे दोगे तो ये मिक्स हो जाएगा। हेलो हेलो अभी बंद है क्लास में क्या कर रहा हूँ चलो फिर एक घंटे तक कॉल करते हैं आधे घंटे तक ठीक। तो देखो हमने क्या करा ये पैटर्न इसके ऊपर अप्लाई कर दिया पर ना ये क्या हो रहा है बिल्कुल ना फ्लैट आ रहा है। अब मुझे ना थोड़ा ऐसा चाहिए कि थोड़ा ओरिजिनल टाइप लगे। देखो मैच तो कर गया मैंने कलर मोड चेंज कर दिया सॉफ्ट लाइट दे दी तो हल्की हल्की लाइट पड़ रही है बस इसके ऊपर। अब मुझे ना यही पैटर्न ना इसके ऊपर थोड़ा बहुत ना ऐसा चाहिए कि तो लगे कि हाँ पहन रखा है। तो आप ना फिल्टर में चले जाना फिल्टर एक टूल है लिक्विफाई ये टूल क्या काम करेगा आप इसको पिक करना ये देखो इसे ना यहाँ से आप ऐसे ना यूँ ड्रैग कर देना आप इसका साइज बढ़ा लेना। साइज बढ़ाने के लिए आप ये वाली की यूज़ कर सकते हो यहाँ से आपने साइज बढ़ा लिया आपने ऐसे ना यूँ थोड़ा थोड़ा ड्रैग कर देना इसे तो ना फ्लैट नहीं दिखेगा वो। अब अप्लाई कर देना दो थोड़ा कर्व हो गया ठीक है। आप इस तरीके से कर सकते हैं ये हमारा पैटर्न अप्लाई ठीक है। आगे चीज़ समझ में आपको लेना चाहिए इसी के अंदर ना अगर आप वापस जाओगे इसी टूल के अंदर लिक्विफाई में ये तो यहीं पे एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा डबल क्लिक करना आप इसके ऊपर। अगर ना यहाँ पे ना मैं चाहता हूँ कुछ कुछ ना पैटर्न ना बड़े करने हैं जैसे लाइक यहाँ पे डेप्थ दिखानी है तो मैंने क्या करा यहाँ पे जब एक पकड़ टूल होता है एक ग्लो टूल होता है मैंने पकड़ टूल पिक किया और मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पैटर्न को अपने हिसाब से ना कम ज़्यादा कर लिए ये होता है ग्लो टूल इससे बड़े होते हैं यहाँ मैंने बड़ा कर लिया इस तरीके से कुछ कुछ पैटर्न को लाइक जिस जिसको पैटर्न को बड़ा करना है आपने इस तरीके यू ड्रैग करना है इस पर क्लिक करना है बस जितनी बार क्लिक करोगे तो ब्लू टूल क्या करेगा पैटर्न को बड़ा कर देगा। ओके कर दिया मैंने यहाँ पे तो ये इस तरीके से ऐसे आ जाएगा ठीक है। तो इस तरीके से तो पैटर्न का तो ये रूल है हमारा पैटर्न यानी ऐसे बना सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं चारों तरफ और पीछे बैकग्राउंड वैकग्राउंड देने के लिए लाइक अगर हम कोई बाहर उस पर जाते हैं क्या नाम है मिठाई खरीदने जाता है उसमें भी क्या होता है बॉक्सेस के पैटर्न बने हुए होते हैं पन्नी के ऊपर पैटर्न होते हैं सब चीज़ें इसी बनते हैं फोटोशॉप में तो इस तरीके से आते हैं। अब आते हैं इसके अंदर दूसरा ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे है एडिट के अंदर ही फिल। इसके अंदर और भी ऑप्शन है जैसे कि पहला पैटर्न मैंने आपको बता दिया ये फोरग्राउंड बैकग्राउंड के लिए तो पता ही है आपको ये कंटेंट अगर और देखते हैं जरा पहले ये काफ़ी काम का टूल है कल क्लास नहीं लूँगा इसी की प्रैक्टिस करना आ जाना यहीं पर ही
इस बार तो थर्सडे भी क्लास थी तुम्हारी, है ना? थर्सडे भी क्लास हुई थी इस बार। अब प्रैक्टिस करना बैठ के कल आके। कल नया नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करनी। हाँ कल नया नहीं चलेगा, कल सैटरडे, कल तो कल क्या क्लास। चलो तो अपन एक काम करते हैं, बाय। यहाँ पे ना मैं एक रिपोर्ट कार्ड ले रहा हूँ, ये वाले, ठीक है? कॉपी ना, ये हटा, ठीक है? ये हटा दे। देखो क्या करेंगे यहाँ से ना, अपना क्या करें, जो चीज हटानी है उसको ना लेसो टूल लेना और थोड़ा सा पास से, ऐसे टूल सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्शन तो किसी भी कर सकते हैं ना? हाँ किसी से भी कर सकते हो। ठीक है, इतना करने के बाद ना आपने शिफ्ट टैब फाइव करना और यहाँ पे ना पैटर्न की जगह ना कंटेंट अवेयर टूल यूज कर लेना, ठीक है? और ओके कर देना, तो देखो वो चीज़ क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। क्लिक किया गया उसने, उसने क्या करा, उसने ना ये चीज़ को ना इधर प्लेस कर दिया, इसको उठा के मिलते जुलते बैकग्राउंड में मिक्स कर दिया। मुझे यहाँ पे ये ए हटाना है बस, ठीक है? एन हटाना, एन हटाता हूँ। एन को मैंने यहाँ से पिक किया ऐसे, ठीक है? अब शिफ्ट एफ फाइव करते हैं, शिफ्ट एफ फाइव कंटेंट आ गए, तो इसने क्या करा इसे ऊपर ड्रैग कर दिया स्क्रीन, तो ये अपने आप खुद एडजस्ट कर लेगा। हाँ ये अपने आप क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है। जितना क्लोज लोगे, जैसे मैं भी तो मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल ले लिया, जितना क्लोज लोगे, जैसे मैं लेसर टूल लेता हूँ, मैंने रेक्टेंगल ले लिया, एक पिक्सल पकड़ लिया इसके ऐसे। अब मैं करूँगा और ज़्यादा क्लियर आएगा ये हमारा, इस तरीके से स्टेम टूल से तो हम ये चीज़ देखेंगे। स्टेम टूल से कर सकते हो, वो टाइम टेकिंग होता है इसमें, बहुत जल्दी हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाता है। हमें यहाँ पे कुछ और प्लेस करना है तो आप प्लेस कर सकते हो यहाँ पे, इसके अंदर फिल के अंदर, शिफ्ट एफ फाइव, फिल के अंदर ये कंटेंट अवेयर के नाम से, ठीक है? तो लोग आजकल ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। मार्कशीट थोड़ी बहुत चेंज करनी है लाइक, तो उस सब चीज़ में हम ये काम कर लेते हैं। बैकग्राउंड से क्या होगा, लाइक मुझे कोई बैकग्राउंड भी रिमूव करना होता है, मुझे क्या करना है इसे ना, इसको बैकग्राउंड में कोई मेरे से कहता है येलो कलर का बैकग्राउंड नहीं चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट कर लूँगा और वो कर दूंगा, तो ये ब्लैक कलर ये खाली हो जाएगा बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड खाली हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है? पर क्या कंडीशन है, ये नहीं हो पाएगा। कंडीशन क्या है, उतना एरिया ना मेरे पास ना खाली होना चाहिए, उतना एरिया मेरे को होना चाहिए यहाँ पे ये ड्रैग कर सके। इसको देखते ये नहीं हो पाएगा, कॉपी करते, क्योंकि एरिया ना इसे मिलेगा ही नहीं, क्या रिप्लेस करेगा वो। जैसे मैं इधर ये लेके चलता हूँ और मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, ऐसे सिलेक्ट कर लिया। अच्छा डायरेक्ट ऐसे मत करना, तो लाइन आ जाएगी। आपको क्या करना है, पहले सिलेक्ट में जाना है, मॉडिफाई में जाना है, सॉरी सिलेक्ट में जाना है, मॉडिफाई में जाना है और एक्सपेंड में जाके आपको 2 पिक्सल या 1 पिक्सल जो भी सेट करना है वो सेट कर देना है। फिर इसके बाद आप क्या करना, शिफ्ट एफ फाइव करना, कंटेंट अवेयर कर देना इसको। फिर भी जब उसने काफ़ी हद तक गायब कर दिया उसको, जितना उसे समझ में आया ना उसने उतना गायब कर दिया। अब ये देखो ये भी हल्का कट आना है, तो आप इसी को ना लेसर टूल से सिलेक्ट कर लेना, जो जो लाइन जा रही है ये दोबारा से शिफ्ट एफ फाइव कर देना। वो तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, इतनी की डिटेलिंग भी नहीं दे पाएगा, ठीक है? तो इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है? अभी जैसे कंपनी में एक का टास्क हो जाता है उसे,
अभी कंपनी में जैसे इंटरव्यू चल रहा था, वो विस्टा प्रिंट है ना, उसमें उन्होंने क्या टास्क दिया था, ये टास्क दिया था स्टूडेंट को, ये गाड़ी थी ठीक है, काम गया ये, हाँ यहाँ पे ना पानी था, वो पानी हटाना था और यहाँ लोगो लगे थे, इसने सही से हटा नहीं पाई, उससे हटाया था ये क्लोन टूल से, तो यहाँ पे पैच सा पड़ गया, पर ठीक है ये थी अब ये चीज़ मैं इससे हटा था तो बड़े आराम से हट जाता, लोगो हटाना था, ये लोगो हटाना था, इसका लोगो हटाना था और नीचे पानी पड़ा था, ये हाँ ये हटाना था और ये जो है ये हटाना था, ये रिमूव करना था, तो ये टास्क हुआ था इंटरव्यू में, तो ये दिक्कत आ गई इसमें, उसने ये हटाया अपने क्लोन टूल से हटाया, ये मतलब बोले कि दबाया नहीं था मैंने उसको, वो ये वाला इससे बहुत टाइम लग गया और इसे ऐसे डिटेल नहीं आ पाई, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं ठीक है। तो ये टूल हमारा यहाँ पे इस तरीके से काम करता है। तो आते हैं लाइक मेरे पास ना ये एक इमेज है, मैं चाहता क्या हूँ ये ना इसके ना चारों तरफ ना डॉटेड डॉटेड लाइन आ जाए ठीक है, ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई ना आपको, पहले दो चीज़ें पैटर्न और ये दो दो बताया था अभी, पैटर्न क्लियर हो गया अच्छा, और पहले मैं इसका सिलेक्शन कर लूँगा, मैंने इसका सिलेक्शन कर लिया यहाँ से, इसने अपने AI सिस्टम से सेलेक्ट कर लिया, मुझे बस क्या चीज चाहिए, ये तो ऐसे ही रहे, या आजकल एक कटआउट जैसा इफेक्ट चल रहा है, इसमें ना लाइन लाइन डॉट 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 दिखाए थे ठीक है, तो मैं ना यहाँ पे जाऊँगा, इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने, अब इसको पाथ में कन्वर्ट करूँगा टेस्ट, इसको तो पाथ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपको ना यहाँ पे जाना है और विंडो में जाना है, विंडो में ना पाथ लिखो, ये आया, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, नई लेयर लेने के बाद आपने यहाँ क्लिक कर दिया, तो आप जब इस पर क्लिक कर दोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, इसे पाथ में कन्वर्ट कर सिलेक्शन, हाँ ये सिलेक्शन पाथ में कन्वर्ट ठीक है। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना ये ना इसके पीछे ना डॉट स्ट्रोक आ जाएगा ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया ठीक है, यहाँ मैंने क्लिक किया, अब मुझे चाहिए कि ये स्ट्रोक में कन्वर्ट करना है इसको, पाथ है ही मेरे पास, कहाँ गया हमारा ये रहा पाथ, ये रहा शेप, ऐसा क्या हो रहा है जी सर, चलो मैं ना यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ, देखो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, आउटलाइन बन जाएगी सारी, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई आउटलाइन आ गई, तो मुझे आउटलाइन ना ये ऐसे नहीं चाहिए, मुझे ना थोड़ी ना ग्लो करती हुई चाहिए, तो मैंने क्या करा पहले ड्रॉ कर लिया था, पाथ मिल गया मुझे, पाथ मिलने का ना बी दबाया, बी से ब्रश आ गया, कौन सा कलर की लाइन चाहिए मुझे, न्यून सा इफेक्ट दिखाना है इसके चारों तरफ, तो मैंने कलर ले लिया जो से कलर का मुझे लाइटिंग दिखाना है, तो मैंने ये सेट कर दिया, और मैंने क्या करा यहाँ पे ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, पहले देखना ब्रश सॉफ्ट होना चाहिए, साइज ये रहा ब्रश का बिल्कुल सही है सब कुछ, अब मैंने बस यहाँ पे ना क्या करा इस वाले पे क्लिक किया, तो ये क्या हो गया इसके चारों तरफ ना आउटलाइन बन गए इसी ब्रश की, जो कलर मैंने ले रखा था और जो साइज मैंने ब्रश का ले रखा है ये रही ठीक है। अब मुझे ना इसकी व्हाइट कलर की आउटलाइन चाहिए इसके अंदर ही, तो मैंने इसका साइज ना कम कर लिया ऐसे, और इसका कलर मैंने व्हाइट कलर कर दिया, अब मैंने फिर से क्लिक कर दिया यहाँ पे ठीक है, तो अब कुछ हुआ होगा, कंट्रोल एंटर कंट्रोल डी, व्हाइट नहीं आया, ब्लू आ गया था हमारा, और अब हमने फिर से क्लिक करा जब, तो मैं ब्रश का साइज थोड़ा बढ़ा के देखता हूँ, वो क्यों नहीं रहा, वाइट क्यों नहीं आ रहा, आ रहा है लाइट आ रहा है, नहीं लेयर पे लेके देखते हैं, हाँ अब आ गया, तो मैंने यहाँ पे ना इसका साइज कम कर दिया और मैंने यहाँ पे ऐसे ये मेरे पास कुछ इस तरीके से ऐसे लाइट वो आ रहा है, मतलब इसकी चारों तरफ ड्रॉ हो गया ठीक है। इन दोनों लेयर को मैंने मर्ज कर दिया कंट्रोल ई दबा के, तो ये मेरे पास ऐसा कुछ आउटलाइन आ रही है, अगर मैं थोड़ा ग्लो सा चाहिए बस इसमें, तो मुझे ब्लू और वाइट कलर ग्लो देना है इस पर, तो मैंने फिल्टर में गया, ब्लर में गया और मैंने गॉशियन ब्लर यूज कर दिया, यहाँ देखो ये ग्लो पड़ रहा है इसमें, इसके चारों तरफ जो है न्यून इफेक्ट पड़ रहा है, ग्लो सा पड़ रहा है, तो अगर आपको ग्लो देना होता है किसी को, तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हो ठीक है।
ठीक है, काफी सिंपल तरीका है, आपने इसके चारों तरफ ग्लो दिखा दिया, ठीक है। मुझे फेस के ऊपर भी चाहिए हल्का हल्का इफेक्ट इसका, तो मैंने सिलेक्ट किया, बी दबाया ब्रश, और मैंने यहाँ पे ना नई लेयर पे ऐसे ग्लो मार दिया, ठीक है। और इसको मैंने नॉर्मल की जगह कर दिया सॉफ्ट लाइट, ठीक है। और ऑपेसिटी में क्या कर देता हूँ, कम कर देता हूँ इसकी ऐसे, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसे फेट डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पाथ के लिए यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन, कहाँ पे ऑप्शन, ये विंडो में जाके पाथ, हाँ ये रहा पाथ, और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ये क्या करेगा, तो जो सिलेक्शन है उसको पाथ में कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ से हम पाथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन अभी आया नहीं, मैं वो देख रहा था, वो इसलिए नहीं आया था, मैंने क्या करा, यहाँ से मुझे इसके ऊपर वो चाहिए, ठीक है। मैंने पेंटूल से लूँ, चलो मैं पेंटूल ले लेता हूँ। पेंटूल पता है आपको उसका, बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए ऑल दबा के क्लिक करते हैं, हमारे पास ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना एक और तरीका है, मैंने ऑप्शन क्या करा, मैंने पेंटूल सब के बाद सिलेक्शन कर लिया, जैसा कि आपको करना है, मैंने रफली मार दिया ये। आप ना क्या कर सकते हो, आप एक नई लेयर लेना, मुझे ना इसके चारों तरफ ना डॉटेड लाइनें चाहिए, तो डॉटेड लाइनें चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप इसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद ना यहाँ पे ना शेप लिखा होगा, आप शेप पे क्लिक कर देना, ठीक क्या हो जाएगा, शेप ये शेप हो जाएगा, पर ये उल्टा हुआ है, मुझे ना फ्रंट से चाहिए था, तो आप ना यहाँ पे क्लिक करना और इसको ना यहाँ पे इसको यूज कर लेना। अब आप शेप पे क्लिक करोगे तो कैसा इफेक्ट आ रहा है, ये ऐसा इफेक्ट, हमेशा इनर ही आता है, हाँ तो ये वैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो इनर आएगा, ये यहाँ पे ऑप्शन होता है, ये वाला था पहले तो ये बाहर की तरफ आया, ये वाला इनसाइड के लिए, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, अब मुझे ना सिर्फ इसकी स्ट्रोक चाहिए, तो आप यहाँ चले जाना और यहाँ क्लिक करने के फिल्म को बंद कर देना ऐसे, और स्ट्रोक में यहाँ पे कलर दे देना, यहाँ पे जो सा भी कलर चाहिए, तो मुझे वाइट कलर सा चाहिए था, तो स्ट्रोक मैंने यहाँ पे स्ट्रोक दे दी, और कौन सी कैसी स्ट्रोक चाहिए वो सेट कर लेना यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रोक दे दी, यहाँ पे 20 पिक्सल 30 पिक्सल जो भी चाहिए, आई नहीं स्ट्रोक पर, थ्री लेयर सेलेक्ट मिलेगा, 20 पिक्सल 18 पिक्सल स्ट्रोक सब कुछ सही है, कलर आ रहा है, कलर आ रहा है, स्ट्रोक क्यों नहीं आ रही है, आ रही है, दिख नहीं रही है, आ जाती है, थोड़ा सा स्ट्रोक पे देखिए, पता नहीं क्यों आ रही है, वाइट इस तरीके से हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से ना डॉटेड सेट कर लेंगे, और इसको क्या करेंगे, फिल को यहाँ पे हम ऐसे रिमूव कर देंगे, तो ये हमारा इस तरीके से इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, अब एक और चीज देखते हैं, मास्किंग हमारे किसी के लिए एक बार इसको रिमूव कर लो, इसको बैकग्राउंड को, बैकग्राउंड लाइक में क्या करूंगा, इसको सिलेक्शन कर लो कंट्रोल के साथ, ठीक है। मैंने सिलेक्शन कर लिया, ये सिलेक्शन आ गया, इस लेयर पे जाते हैं, ये नीचे मास्क का बटन है, फिर भी क्लिक कर सकते हैं, बैकग्राउंड जब रिमूव करते हो इसी तरीके से करना चाहिए, कैसे, भले ही आप ना कोई सा भी टूल यूज कर रहे हो, मैं यहाँ पे ये वाला डिलीट मार देता हूँ, मैंने ना यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल यूज किया, और ना मास्क ना इससे किया करो, कैसे यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल जे ये मत किया करो, इससे क्या फायदा होता है, आप ना राइट क्लिक करोगे यहाँ पे ना रिफाइन मास्क का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया राइट क्लिक, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है यहाँ पे ऐड मास्क टू सिलेक्शन और इंटरसेट मास्क, ठीक है। तो इसका सिलेक्शन यहाँ पे आ जाएगा, आप यहाँ पे सिलेक्टेड मास्क पे क्लिक करना, तो यहाँ पे देखो कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे,
तो लाइक अगर आपको इसके एजेस सॉफ्ट करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे इसके रेडियस थोड़ा सा बढ़ाना है, रेडियस बढ़ा दिया आपने तो एजेस थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, एजेस स्मूथ करना है तो यहाँ से कर सकते हो, फैदर देना है तो यहाँ से फैदर दे सकते हो, थोड़ा सा अंदर की तरफ करना है उसको सिलेक्शन को तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी थोड़ी करनी है तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी कर सकते हो, ओके कर दिया तो एजेस थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो आप इस तरीके से करोगे ज़्यादा बेस्ट रहता है। आगे समझ में ये चीज, तो आप बैकग्राउंड इस तरीके से भी रिमूव कर सकते हो, तो यहाँ पे पिक किया आपने और उठा के नीचे मास्क के बटन पे क्लिक कर दिया। तो मास्किंग का क्लियर हो गया आपको ये वाला। अच्छा अब मुझे ना पता क्या करना है, ये सिग्नेचर है, मुझे ना सिर्फ डिजिटल चाहिए, ठीक है, ये निकालने हैं। मैजिक वैंड टूल है इसके अंदर, पर मैजिक वैंड टूल से क्वालिटी पूरी चली जाएगी, आप उसी से फॉलो मारते हो। तो ये है जैसे मेरे पास, मुझे ये चाहिए, ठीक है, बोले इसका कलर एक ही है, पर फिर भी ना मैं हटाऊंगा तो दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आप ना इसे यहाँ पे कर लो, ठीक है, मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना, कलर वलर सब चेंज करना है। तो अपना बस बहुत अच्छा तरीका है, और उसका मतलब उसका काम है, उसका नाम है ओपेसिटी मास्क, ठीक है, चैनल मास्किंग भी बोलते हैं। आप विंडो में जाना, ये बहुत सही टूल है, चैनल जाना, चैनल में ये चैनल होते हैं, ठीक है, RGB, आपने इस पर क्लिक करना, RGB, तीनों में अलग अलग इफेक्ट आ रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा ब्लैक का इफेक्ट आ रहा होगा ना वो टिक कर देना, ठीक है। और ना सेकेंड क्या करना, आप इसको ना कंट्रोल डुप्लीकेट कर देना। डुप्लीकेट कैसे करोगे, यहाँ प्लस के बटन पे क्लिक करोगे तो इसी की ना राइट क्लिक करके डुप्लीकेट चैनल पे क्लिक कर देना, डुप्लीकेट हो गया। अब अपना क्या करना है, डुप्लीकेट वाले को ना बाकी सब बंद हो जाएगा, अपना डुप्लीकेट वाला बचेगा, कंट्रोल एल कर लेना, कंट्रोल एल से लेवल आ जाएंगे, इसे ना ब्लैक को और ज़्यादा ब्लैक कर देना और वाइट को ना और ज़्यादा वाइट कर देना, तो पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो गया, ठीक है। यहाँ से चेक कर लेना, और इसके ना यहाँ पे आउटपुट लेवल होता है, इसको थोड़ा एडजस्ट करना है तो एडजस्ट कर देना, तो यहाँ से हमने थोड़ा व्हाइट और ब्लैक को इस तरीके से एडजस्ट कर लिया, और मैंने क्या करा ओके कर दिया, तो ये देखो ये ऐसा आ गया। अब हमने क्या करा, इसके सिलेक्शन पे क्लिक कर दिया तो ये सिलेक्शन आ गया, ठीक है। अब आप बस कुछ नहीं करो, अब यहाँ पे जाओ और इसके मास्क के बटन पे क्लिक कर दो, तो यहाँ पे हमारा ये अभी क्या हो रहा है, उल्टा हो गया। अगर आप ना यहाँ पे ना ऑल दबा के क्लिक कर दोगे तो सिर्फ इतना पार्ट रह जाएगा, रिवर्स रह जाएगा, तो ये आ गया। अब मुझे इसका ना कलर देना है, तो आप ना क्या करना है, इसका सिलेक्शन कर लेना और यहाँ से जाना कौन सा कलर चाहिए, यहाँ सॉलिड कलर पे क्लिक कर देना। लाइक अब आपको जौन सा भी कलर चाहिए, ऐसे ऐसे कलर दे सकते हैं, ये आ गया, ओके कर दिया। अब इसे मैं कहीं पे भी ले जाके प्लेस कर सकता हूँ, ये हमारा कहीं पे भी प्लेस हो जाएगा, ये हमारा कहीं पे भी प्लेस हो जाएगा। चैनल मास्किंग बहुत काम आती है, जैसे ना कभी कभी बैकग्राउंड ना मतलब कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है, जैसे पेड़ के हो गए या फिर बाल हो गए, अब उन सब का सिलेक्शन पेन टूल से पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, जैसे मैं ट्री की इमेज ले ली, अब ये है, अब इसका बैकग्राउंड ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, इसे मैं अगर रिमूव करूँगा बहुत दिक्कत आएगी। मैंने कॉपी कर लिया इसको, और कॉपी करने के बाद इसको मैं नई फाइल में ले लेता हूँ, मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको मैंने क्या करा, सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे यहाँ पे चैनल में, चैनल आया हमारे पास विंडो में जा करके, और यहाँ पे चैनल का ऑप्शन आ जाएगा, ये ब्लैक इसे ना ऑन कर लेना, जिसमें ब्लैक का अमाउंट ज़्यादा ना वो पिक करना, बाकी कुछ छोड़ देना। तो ये आ गए, राइट क्लिक करना डुप्लीकेट चैनल, ओके कर देना, हो गया हमारा ये, इसको ऑन इसको ऑफ कर देना, बस इतना करने के बाद कंट्रोल एल कर देना, लेवल ब्लैक कलर को अमाउंट को बढ़ा देना, वाइट कलर के अमाउंट को यहाँ से बढ़ा देना, ब्लैक को और बढ़ा दिया, वाइट को और बढ़ा दिया, बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो गया। मुझे कोई और बैकग्राउंड चाहिए,
यहाँ मैंने ऐसे पेज कर दिया कंट्रोल की बैकग्राउंड क्या हो गया हमारा जो चेंज हो गया। तो आप इस तरीके से बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। तो जो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड है थोड़ा बहुत हमने पेन टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा बहुत हमने क्या करा जहाँ जैसे बाल है वो सेक्शन हमने इससे ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बैकग्राउंड रिमूव कर सकते तो ये चीज़ क्लियर हो गई ना आपको समझ में आ गया ना। आप इस तरीके से क्या करते हैं ऐसे बैकग्राउंड को हम इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। अब लाइक मुझे ये वाला चाहिए हटाना है तो सिंपल है, तो आप बस क्या करना सिलेक्ट करना ऐसे। देखो मैंने मास्क किया था यहाँ पे, तो ये देखो जो वाइट वाइट एरिया ना वो विजिबल होता है। अगर मैं यहाँ क्लिक करके कंट्रोल बैकस्पेस कर दूँगा ना तो क्या हो जाएगा ये देखो इस तरीके से क्या कर सकते हैं मास्किंग का यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा काम आती है। लाइक अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना तो आप इसका इजीली यूज हो जाएगा। रिकॉर्डिंग करता था तब नहीं मिला, पर तो रिकॉर्डिंग नहीं करता। ठीक है तुम्हारी सजा है तुझे। तो ये बैकग्राउंड का तरीका हो गया बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है। अगर लाइक ऐसे ही हेयर्स के लिए कोई है इसे हेयर मास्किंग भी बोलते हैं, सेम इसको ना अल्फा मास्किंग भी बोलते हैं, इसको हेयर मास्किंग भी बोलते हैं। ये जब हेयर ऐसे बैकग्राउंड होते हैं लाइक तो उनको भी हमें रिमूव करना होता तो हम वो सब भी हम इसी तरीके से करते हैं। भले अगर हमें ना ऐसे सिंपल बैकग्राउंड में मिल जाए ना ये भी हटाने में दिक्कत हो रही है, तो दिक्कत आती है। तो आपको लगे ये बैकग्राउंड में रिमूव करने इस तरीके के जैसे इसके बाल इस तरीके के बाल हैं इसके, तो ये रिमूव करने बहुत दिक्कत आएगी। तो इसमें आसान है बस आपको बस क्या करा जो बना रहा हूं वही नहीं बनना कॉपी किया और बैकग्राउंड भी अलग सही है इसका। मैंने यहाँ पे जाके ऐसे पेश कर दिया बस यहाँ से अपन चैनल में गए यहाँ से ब्लैक को ऑन कर लिया। पहले क्या करना है पहला स्टेप क्या है डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करना जरूरी है डुप्लीकेट चैनल और ये सब अब क्या करना हाइड करना है ये सब बंद कर देना है। और इसके बाद अपन क्या करना कंट्रोल एल लेवल ठीक है, इसको मैंने ब्लैक को ब्लैक कर देना है वाइट को वाइट कर देना। अब इसमें एक दिक्कत आ गई अब ये बीच में वाइट रह गया, तो बहुत सिंपल है कुछ नहीं करना आपने ना क्या करना है लेसो टूल लेना और जितना एरिया में रह गया ना उतने एरिया को सिलेक्ट कर लेना इसे। ये तो सिलेक्ट हो ही जाएगा यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसके ऊपर ना आप बी दबा के ब्रश ले लेना ब्लैक कलर का ब्रश ऐसे मैंने इसमें ब्लैक कलर का ब्रश ठीक है यहाँ थोड़ा सा रह गया। अब आप क्या करना है इस पर क्लिक करना सिलेक्शन ले लेना इसका और अब यहाँ पे जाना वापस अपनी लेयर पे हम मास्क के बटन पे क्लिक कर देना ऐसे और दबा के ब्रश ब्लैक कलर ही करना पड़ेगा। हाँ ये आ गया ये हटाना है तो इस पे ब्लैक कलर का ब्रश ला दिया ये रिमूव हो जाएगा और वाइट कलर का ब्रश ला दूंगा तो वापस आ जाएगा। वाइट कलर का ब्रश लाऊंगा मैं तो वाइट कलर ब्लैक कलर ठीक है ब्लैक कलर से ला दो इस तरीके से ऐसे मास्किंग कर सकते हो। कहीं बीच बीच में रह रहा है तो आप इस तरीके से चला दो तो यहाँ रह गया और कहीं गया क्या और कहीं भी हल्का के चला गया होगा क्योंकि ब्रश का सॉफ्ट होता है तो यहाँ से चला गया होगा तो आप ऐसे ब्रश मार सकते हो। मेन कॉर्नर से कॉर्नर वाले तरीके से ठीक है। अब हम इसके अंदर ऐसे पीछे बैकग्राउंड रखते हैं
तो ये भी मैंने इसी मास्किंग से किया था। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं लाइक बाल हो गए, कोई वायर हो गया, तो वायर का सिलेक्शन करने में दिक्कत आती है, तो हम इस तरीके से सिलेक्शन करते हैं। क्या शॉट की चैनल मास्किंग मैंने भी आपको बताया क्या क्या इसमें चैनल मास्किंग हो गई हमारी, हो गया हमारे पास इसमें कंटेंट अवेयर, कंटेंट अवेयर एक हो गया हमारे पास इसके अंदर पैटर्न, तीन टॉपिक अभी हमने कर लिया है ना। चलो ये हो गया हमारा इस तरीके से, एक मास्किंग बोल कर लेते हैं बस हम, उससे बोलते हैं ग्रेडिएंट मास्किंग, ठीक है। ग्रेडिएंट मास्किंग में क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे मुझे ना कोई पोस्टर टाइप बना रहा हूँ, ठीक है, मुझे ना ये पोस्टर डिज़ाइन करना है, मैं पोस्टर में चाहूँगी ना कि ये ब्लेंड हो जाए आपस में, ठीक है। तो पहले तो मैं ये कलर दे देता हूँ एक पीछे बैकग्राउंड का, और मैंने यहाँ पे कलर मार दिया इसका ये ऑरेंज कलर, और मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक फोटो चाहिए मुझे, ये आगे ये वाली फोटो ले लेता हूँ मैं, यहाँ साइज में जाके ना आप हाई लार्ज कर सकते हैं, बड़ी बड़ी इमेजेस आएगी, ठीक है, फिल्टर दिख जाएगा, बड़ी इमेजेस आएगी, तो यहाँ से मैंने ये वाली फोटो ले, पॉलिटिकल पार्टी करना बहुत कम है, इलेक्शन का नोएडा का है, देखेंगे उससे बताऊंगा मैं, कॉपी पोजीशन का बिल्कुल फ्री है, ये आ गया और इसे मैंने पेस्ट कर दिया, उनका नाम जो है ना वो रामदेव है, तो ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये बैकग्राउंड में हटा देता हूँ, मैंने यहाँ से मैजिक हैंड कर दिया, यहाँ से मैं काम करता हूँ, देखो यहाँ दिक्कत आ गई, मैं जब इसके लिए ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ, क्योंकि कपड़ों से मैच कर रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको मास्क कर देता हूँ, ठीक है, ये हल्का सा रह गया, ये मैं लेंस टूल पे डाल देता हूँ, मैजिक वैंड टूल पे काम कर जाएगा। जब मैजिक वैंड टूल लोगे ना आप, तो ना यहाँ पे ना इसके अंदर एक ऑप्शन होता है, अभी क्या होगा ये ना मैं जब पिक करूँगा तो बाहर का भी पिक कर लेगा, अब ना यहाँ पे टॉलरेंस होती है, इसको ना कम कर देंगे, तो इससे क्या होगा, कम अमाउंट लेगा, कम अमाउंट लेके चलेगा, यहाँ पे इसे डिलीट मार दिया, तो ये ऐसा मुझे क्या करना है, ब्लेंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे, अब मुझे ना इसे मास्क कर देना है, कन्वर्ट टू स्मार्ट में क्या होगा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट से ना ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, इससे क्या होता है कि आप उसके साइज को ना कम ज़्यादा करोगे ना क्वालिटी डिस्टॉर्ट नहीं होती, अभी मास्किंग हट गई, मास्किंग नहीं हटी, मास्किंग नहीं हट गई, मास्किंग जो मैंने करी थी वो भी रिमूव हो गई, और ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया, इससे क्या होता है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट से आप इसके साइज को कम ज़्यादा करोगे ना तो वो ना डिस्टॉर्ट नहीं होगा, वो जो मैंने कम करी मैंने ज़्यादा कर ली, ये देखो क्वालिटी में फर्क नहीं पड़ा, पर अगर यही चीज़ ना मैं जो मैंने अभी करा यही चीज़ जब मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैंने रेस्टराइज कर लिया और कंट्रोल टी करा ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से मैंने इसे छोटा कर दिया इसे, अब मैं कंट्रोल टी करता हूँ और मैं बड़ा करता हूँ इसे, तो देखो डिस्टॉर्ट हो गई, ब्लर हो गई, हो गई ना ब्लर, पर ये इसको देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल टी कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्म, यहाँ से छोटा कर दिया मैंने, ठीक है,
कंट्रोल टी करा मैंने ट्रांसफॉर्म, दोबारा से बड़ा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जब भी हम ना साइंस को ज्यादा करते हैं ना तो ये करते हैं स्मार्ट होते हैं। क्वालिटी खराब है ठीक है। मुझे क्या करना है अब, ये ना इमेज मिक्स करनी है बैकग्राउंड के साथ ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, एक बैकग्राउंड और ले लेता हूँ। चलिए मैंने क्या करा, सिलेक्ट किया मास्क कर दिया सर ठीक है, मास्क कर दिया। जी से ग्रेडियंट आता है, आपको ब्लैक और व्हाइट वाला ग्रेडियंट ले लेना है और बस यहाँ पे क्लिक करके ना ड्रैग मारना है ऐसे ऐसे, ये क्या हो जाएगा ब्लेंड हो जाएगी मेरी ठीक है। जैसे जैसे आप ड्रैग करोगे यहाँ पे इस तरीके से ब्लेंड होती चली जाएगी ठीक है। यहाँ से ऐसे डालोगे ये उल्टी तरफ जा रही है, यहाँ पे जा रहा है इस तरह, लाइक जो भी आपको लिखना है यहाँ पे से सेट कर लेंगे। इमेज मिक्सिंग कर ली है तो उसके लिए अच्छा है। मुझे मिक्स करनी है वाली में, कॉपी में और यहाँ पे मैंने क्या करा, कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। नीचे रख दिया ठीक है, ये ब्लेंड हो रही है यहाँ पे इमेज हमारे पास। मुझे इधर नहीं चाहिए ब्लेंड, इधर से नहीं दिखा रही इमेज अगर छोटी आ रही है तो मुझे ना उसी के साथ की चाहिए। तो मैंने आपको बताया था पहले भी, इमेज में जाके रिवल ऑल कर लेंगे, इससे क्या होगा जितनी बड़ी इमेज है ना उतनी उतना आर्टबोर्ड बन जाएगा, उतना ही आर्टबोर्ड बन जाएगा ठीक है। ये मैंने यहाँ रख लिया इसे, और लाइक मुझे ना ये इमेज ना आधी दिखानी है, पूरी नहीं दिखानी। तो इसे भी मैंने मास्क कर दिया, ऐसे नॉर्मल मास्क कर दिया क्या, यहाँ मैंने जी दबाया ग्रेडिएंट और इसे मैंने यू ट्रैक कर दिया ठीक है, ऐसे ट्रैक कर दिया। तो ये हुआ क्या, ये हमारे पास इस तरीके से दिखाई दे रही है। पीछे कलर में यही कलर रखा पूरे का, हाँ तो अभी ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, उल्टा चाहिए मुझे। तो आप यहाँ क्लिक करके ना कंट्रोल आई कर सकते हैं, कंट्रोल आई से कंट्रोल आई से उल्टा हो जाता है, हमारा जो ये सिलेक्शन है ये उल्टा इनवर्स हो जाता है। आप इस तरीके ड्रैग करके ऐसे मिक्सिंग कर सकते हो इस तरीके से ठीक है। ये चीज़ चल रही है ठीक है, इस तरीके से ड्रैग कर सकते हो। तीन चैट मूव मैंने आपको उसमें करा दिए, ये करके देखते हैं ठीक है। ये रिकॉर्डिंग